मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हो, करना चाहिए, हिंदुस्तान हमारा है। संविधान में जो उसी मुताबिक चलेंगे, अपना अलग संविधान बनाएंगे, मैं अलग संविधान बनाऊंगा। संवैधानिक दायरे में संविधान ये कहता है किसी कहां जा किसी गलत नहीं कर सकते हैं। तो क्या है कि मस्जिद में चलेगा क्या होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया दौरा के क्रम में विष्णुपद मंदिर में पूजा की, साथ में राजद कोटे के मंत्री इस्माइल मंसूरी भी मौजूद थे, जिसके बाद से ही भाजपा ने मुस्लिम मंत्री के प्रवेश पर हंगामा शुरू कर दिया। भाजपा का कहना है कि मंदिर में मुस्लिम समाज के रोक पर प्रतिबंध होने के बावजूद मंसूरी कैसे अंदर चले गए। भाजपा का कहना है कि मंदिर अपवित्र हो गया, सीएम नीतीश को माफी मांगनी चाहिए। इस मामले पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि भाजपा समाज को बांटने का काम कर रही है, हर किसी का भगवान एक है, भले रास्ते अलग हों। जमा खान ने कहा कि भाजपा को राज्य में हो रहे विकास पर ध्यान दें। कैसे लोग देश में जो हंसी आ रही है, ये हमारा हिंदुस्तान है, इतना खूबसूरत हिंदुस्तान है, पूरी दुनिया इस पर मिसाल देती है। ये जो मेरे भाई लोग हैं आवाज उबाज कह रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, हाँ भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि काम पर विश्वास करें, काम हम लोग करने को। ये सब आवाज करने का क्या मतलब है? ये हिंदुस्तान है, संविधान के तरीके में सबको हर तरह से महफूज रखा गया है। मंदिर मंजूरी जहाँ से अच्छा जा रहा है, अच्छी बात है, भाईचारा का संदेश है, हम भी कहीं जाते हैं, वो भी कहीं जाते हैं, अच्छी बात है। मंदिर मंजूर बटा नहीं है, भगवान बटे नहीं है, भगवान ईश्वर खुदा जो मानने वाला है वो बटा नहीं है। रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन सबका चाहत उसी भगवान को, जिस भगवान को मैं मानता हूँ, भगवान हमारा हर समाज के हर वर्ग के भाई लोग मानता हूँ, हम आप बांट देते हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ ये सब बात मत करें, हमारे बिहार को, हमारे देश को मजबूत जब जो खूबसूरती है उसको हमने दें, हम लोगों को बांटे मत। अगर माननीय मंत्री जी चले गए, माननीय मुख्यमंत्री के साथ अपने नेताजी के साथ चले गए, क्या हो गया? ये जो भाईचारा एक संदेश मोहब्बत है, उन्होंने आस्था लिखा है, यहाँ भी मेरा आस्था है, ये अच्छी बात है, जनता की आस्था है, भगवान एकदम है, मैंने बता दिया। ये हिंदुस्तान है मेरे भाई, ये सबको मरना है, सबको मिट्टी में जाना है, रास्ता अलग हो सकता है, सबको जाना है वहीं पे जहाँ मैं जाऊँगा, जहाँ वो मेरा भाई जाएगा मैं भी वहीं जाऊँगा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ, ईश्वर से डरे, ईश्वर को मत बांटे, भगवान सबका है, खुदा सबका है, मंदिर मस्जिद मत बांटे, ये सबका है। मैं भी मंदिर में गया हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, हमारे कॉन्शियंस में जहाँ से मैं आता हूँ, 20,000 पोलिंग मुसलमान का मैं 1,00,000 वोट पाता हूँ, सब मुझे मानते हैं, मैं सबको मानता हूँ। आपका पूजा पाठ नमाज पढ़ने का एक तौर तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सही बात है, गीता कुरान लिखा हुआ है, खुदा एक है, भगवान एक है, ईश्वर एक है। ये लोग गुजारिश मैं करना चाहता हूँ, हम लोगों को विकास करने दें, कहाँ हम जा रहे हैं या कहाँ लेकर लोग जा रहे हैं हम लोगों को। हम लोग चाहते हैं कि बिहार को ऐसा कर दें कि पूरा दुनिया की मिसाल दे बिहार का, समाज में नफरत फैलाने की एकदम। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, चूंकि मेरे वो भी भाई हैं, मेरे हिंदुस्तान के, मेरे बिहार प्रदेश के हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर जमा खामे या किसी भी मंत्री जी लोग हैं, माननीय मंत्री जी लोग हैं, उनमें काम में गड़बड़ी हो, जो वादा की वो वादा के मुताबिक काम न कर रहे हो, ये उनकी आलोचना कर सकते हो, बात कहेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। जो मैंने वादा किया है, जिस डिपार्टमेंट का मैं हूँ, जो जिम्मेवारी सौंपा गया है, अगर उस पर काम नहीं कर पाता हूँ, बताएंगे तो मुझे लगता है कि मेरा भाई ने मुझे जगाया है, मुझे सचेत किया, मुझे काम करना चाहिए। लेकिन वो कहीं ले जाए मंदिर में, मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हो, करना चाहिए, हिंदुस्तान हमारा है। इसी संविधान में जो उसी मुताबिक चलेंगे, अपना अलग संविधान बनाएंगे, मैं अलग संविधान बनाऊंगा। संवैधानिक दायरे में संविधान ये कहता है किसी कहाँ जा किसी गलत नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि मस्जिद में चलेगा तो क्या हो जाएगा? मैं मंदिर में क्या, ये तो भाईचारे मोहब्बत है, लगा होता है, मैं ही मस्जिद में जाता हूँ, कई मेरे साथी मस्जिद में बैठते हैं, खाते पीते हैं, अवतार खोलते हैं, दम जाते हैं, ये आस्था है, हिंदुस्तान है, हम सब भाई हैं, मैंने बता दिया ना। तो बीजेपी का एजेंडा क्या दिख रहा है आपको? आप नया है, आप छिपा हुआ, आप लोगों से उनका एजेंडा किस एजेंडा पर राजनीति करते हैं आपको नहीं मालूम है, सबको मालूम है चीज़ को। लेकिन मेरे लोकप्रिय नेता, आपने देखा होगा, उनका सिर्फ काम से मतलब होता है, उनका विकास से मतलब होता है, उनका दिखावा नहीं होता। आप खूब जानते हैं इस चीज़ को, बताना क्या, आपसे ज़्यादा कौन जानता है। उन लोगों का एजेंडा ही होता है, जहाँ उनको कमजोरी होती है, मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद, जहाँ लगता है मेरी कुर्सी जा रही है, मंदिर मस्जिद। हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये क्या होता है? अरे हम हिंदुस्तानी हैं, हम बिहारवासी हैं, हम सब लोग एक हैं, मिलकर काम करें, काम पर आस्था रखें।